हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू टेक सपोर्ट चैनल मेरा नाम महेश एंड एंड आज का टॉपिक है सिटिक्स 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 वर्चुअल एप्स डेस्कटॉप लास्ट लास्ट वीडियो सीरीज में हमने के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं बट मंथ ने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर रिलीज किया है दैट कॉल्ड सिटिक्स उसके कुछ अपने बेनिफिट्स हैं जो वन बाय वन हम कवर करने वाले हैं लाइक बूस्ट प्रोडक्टिविटी विथ एनीयर एक्सेस लाइक प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है एंड एम्प्लॉय को अनेबल करता है टू एक्सेस देयर वर्चुअल डेस्कटॉप फ्रॉम एनी वेयर एम्प्लॉय अपने वर्चुअल एप्लीकेशंस एंड डेस्कटॉप किसी भी लोकेशन से या किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेश लाइक इट्स प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल एडवांस सिस्टम मॉनिटिंग सिक्योर आर्किटेक्चर बाई प्रोवाइडिंग रिमोट एक्सेस टू विंडोज एंड लाइन एक्स एंड डेस्कटॉप सिक्योर्ड इन डेटा सेंटर लाइक एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप जो कि डेटा सेंटर पर रखे हुए हैं उनको यूजर रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से एंड हमारा डेटा सेंट्रली सिक्योर होता है बिकॉज वो डेटा सेंटर में रखा हुआ है मीन्स यूजर के पर्सनल असेट या डिवाइस पर डेटा का का कोई भी लिंक नहीं होता है डेटा सिर्फ वर्चुअल डेस्कटॉप पर ही होता है। B -B या फिर वर्चुअलिवर ऑन डिमांड एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप टू एनी डिवाइस मेकिंग इट इजी टू सिक्योरलीबल एंटरप्राइज बीवाईओडी इनिशिएटिव लाइक बीवाईडी के थ्रू यूजर खुद का डिवाइस यूज करेगा एंड वो वर्चुअल डेस्कटॉप एंड एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकता है मींस उस पर्टिकुलर यूजर को आईटी टी असेट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर उसके पास पर्सनल डिवाइस है

सकता है उस डिवाइस का हाई कॉन्फ़िगरेशन होना जरूरी नहीं है सो फाइनली रिड्यूस कॉस्ट एंड कॉम्प्लिसिटी ऑफ एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप मैनेजमेंट सो फ्रेंड्स बाय डिप्लॉयिंग वर्चुअल एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है सो so, नाउ हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले हम टेस्ट लैब का क्विक रिव्यू करेंगे सो so, जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट सर्वर डोमेन कंट्रोलर है जिस पे ए डी डी एस डी एस सी पी एंड डी एन एस रोल्स हमने कन्फिगर किए हैं सेकेंड सर्वर सिट्रिक्स का डिलीवरी कंट्रोलर होगा जिसमें हम जैन एप्लीकेशन एंड जैन डेस्कटॉप कन्फिगर करेंगे थर्ड हमारी क्लाइंट मशीन है जो कि पावर मैनेज नहीं है जिसको हम रिमोटली एक्सेस करना सीखेंगे इस वीडियो सीरीज में जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो सीरीज में हमने जैन सर्वर को इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज जैन सर्वर एक हाइपरवाइजर है जिस पर मैं पहले ही वीडियो ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ अगर आपको जैन सर्वर का इंस्टॉलेशन एंड कंफिग्रेशन सीखना है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप रिफर कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स इस वीडियो सीरीज में हम फिजिकल मशीन का जो की पावर मैनेज नहीं होती हैं उनका हम रिमोट एक्सेस लेना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एंड डेस्कटॉप सो फ्रेंड्स लेट मी क्लोज दिस क्विकली एंड नाउ मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूं एंड हम सिट्रिक्स की वेबसाइट पर चलते हैं सो so, मैं लॉगिन कर लेता हूं अगर आपने सिटिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक साइन अप नहीं किया है तो आप कर लीजिए जैसा कि आप देख सकते हैं डैशबोर्ड ओपन हो चुका है नाउ सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड एंड नाउ हम ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं सिटिक्स वर्चुअल ऐप एंड डेस्कटॉप जिसको पहले जैन ऐप एंड जैन डेस्कटॉप बोला जाता था सो so, हम सेलेक्ट करेंगे

जैन ऐप एंड जेन डेस्कटॉप को रिनेम किया गया है एंड कुछ फीचर्स एड किए गए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कन्फिगर करना सीखेंगे स्टेप बाई स्टेप सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल शेयर माई वीडियोज लाइक माई वीडियोज़ थैंक यू वेरी मच